हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका भाई भतीजा संतोष रेणु यादव। पहले आप लोग जुड़ जाइए, उसके बाद फिर मैं कुछ अपनी बात में रखूं। एक्चुअली अभी आज मैं देख रहा था, आज न्यूज़ देख रहा था, जिसमें हमारे गार्जियन स्वरूप परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य के बारे में बताया जा रहा था कि उनके स्वास्थ्य काफ़ी गिर चुकी है और काफ़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं अभी इस वक्त। वो शायद उनके जो डॉक्टर हैं वो उन्होंने ये बुलेटिन जारी किया है कि वो भी बहुत बहुत ही मुश्किल दौर से भी गुजर रहे हैं। तो इस जैसे इस मार्फत मैंने भी कुछ, मेरी भी एक अपना फ़र्ज बनता है और उसी के लिए मैंने भी कुछ सोचा है। और यही सोचते हुए मैंने तय किया कि चूंकि आज जो भी कुछ हैं हम या हम लोग हैं, उसमें लालू यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे आदरणीय गार्जियन स्वरूप हैं वो, तो उनकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और जो हो सकता है मेरे से, जो जो भी कुछ बन सकता है, तो मैंने ये बहुत कुछ सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। देना पर मैंने, चूँकि उसमें था, उसमें लिखा हुआ था कि शायद उनको डायलिसिस पे रखा जा रहा है और उनकी किडनी शायद काम नहीं कर रही है प्रॉपर वे में, तो मैंने ये तय किया है कि मैं एक अपना किडनी, अगर हो सके, ज़रूरत पड़े अगर उनको, और मैं इस लाइव के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा हूँ कि अगर लालू यादव जी को अगर ज़रूरत पड़े तो फिर मेरे से संपर्क किया जाए, मैं अपना एक किडनी उनके लिए डोनेट कर सकता हूँ। मैं हंसी खुशी मैं एक किडनी डोनेट कर सकता हूँ, यदि उनको ज़रूरत पड़े तो संपर्क किया जाए मेरे से। और ऐसा नहीं, जैसे बहुत सारे लोग कुछ कुछ बात, जैसे पहले की बातों को लेकर के ऐसा कुछ, उस समय कुछ कड़वी बातें मेरे जुबान से निकल गई थी तो लोग बहुत भला बुरा कह रहे थे, तो ऐसा नहीं है। वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, और मैं एक बहुत ही छोटा सा चीज़ है, अगर मेरी ज़िंदगी जाने के बाद भी यदि वो सुरक्षित रह जाते हैं, अगर उनके सुरक्षित और स्वस्थ रहने में अगर मेरी ज़िंदगी भी अगर चली जाती है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि मेरे रहने ना रहने से किसी एक समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे मालूम है कि जिस लेवल के, जिस स्तर के वो महान इंसान हैं, उनका इस समाज में रहना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं यही चीज़ मैं सोच रहा था कि चूँकि मैं काफ़ी दुखी हो गया था, वो मैं उनका न्यूज़ देख करके, और तब जाकर के मैंने ये फैसला लिया कि अगर ज़रूरत हो, मैंने इस संबंध में, मैंने एक हमारे संपर्क में हैं, एमएलए हैं, विधायक जी हैं हमारे, मैं उनका नाम मैं ओपन नहीं करूँगा, लेकिन मैंने उनसे भी मैं बात किया इस संबंध में, और उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रॉपर इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो लेकिन मैंने ये फैसला किया है, और अगर ज़रूरत अगर पड़े तो मैं ओपन में कह रहा हूँ, मैं लाइव आकर के कह रहा हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से और मैं हंसी खुशी पूर्वक, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो चलिए, बस इतना ही कहना था मुझे, और क्या कहें, भगवान उनको मेरी उम्र लगा दे और वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जितनी हो सके दुआएं वो उनके लिए की जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने जो किया है समाज के लिए, उसको हम लोग कभी मिटा नहीं सकते, उनके इतिहास को हम लोग भुला नहीं सकते, और आज हिंदुस्तान
को उन्होंने जो दिया है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है कि हर घर में लालू प्रसाद यादव चाहे जिस रूप में हो वो हर घर में वो विराजमान है, या लोग इस बात को समझे, लोग माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी हर घर में हर मिट्टी में, हिंदुस्तान की चाहे जिस कोने की मिट्टी हो उस मिट्टी में लालू प्रसाद यादव जी विराजमान हैं। लालू प्रसाद यादव जी को भुला करके हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती है, और बिहार की तो खैर बात ही छोड़ दें। तो रोहित यादव सम्राट बोल रहे हैं, कभी आप गाली देते हो अब बोल रहे हो किडनी दूंगा। अरे ब्रदर, फिर यार क्यों बीच में आ जा रहे हो यार? मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके पहले मैंने बहुत सारी जैसे बातें भी मैंने उनके बारे में बोला था। तो ऐसा नहीं है, घर में दो तरह की, जैसे बहुत तरह की बातें चलती रहती है घर में, कभी बाप कभी बेटा भी बोल देता है, बेटा बाप पे बोल देता है। इसका मतलब ये थोड़े ना होता है यार कि जब उसके साथ जब मुसीबत की जब बात आ जाए तो वहाँ पे भी खड़ा नहीं हो यार, कुछ तो समझा करो बाबू। तो अलग चीज़ है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पिताजी अगर हम पे बोल देते हैं और मैं अपने पिताजी पे बोल दूँ, इसका मतलब कि मेरे पिताजी का तबीयत ख़राब हो जाए तो मैं चुपचाप बैठा रहूँ यार? किस हद की बात करते हो आप लोग यार, कुछ तो समझा करो। तो बस मैं यही बात मैं कहने के लिए आज मैं लाइव आया था, और मैंने देखा वो न्यूज़ देखा, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ। और तो बस मैंने यही कि अगर ज़रूरत पड़े, अगर मुझे इस हिंदुस्तान का एक बेटा समझते हैं, मुझे अपने समाज का एक बेटा समझते हैं, एक अंग समझते हैं, तो अगर ज़रूरत पड़े तो फिर मेरे से संपर्क किया जाए, और जब चाहें जहाँ बुलाएं मुझे मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ, और अपनी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हूँ हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए। चलिए तो इतना ही से मैं अपनी बात को मैं रखता हूँ, और आगे क्या कहूँ, दिल बहुत बहुत दुखी है, बहुत मैं न्यूज़ देख करके मैं बहुत हर्ट हो गया हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, जो ऊपर वाले की जो मर्जी होगी वही होगी। और क्या कहें, बस यही कि भगवान प्लीज़ मेरे अभिभावक परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जल्द शीघ्र स्वस्थ करें, और फिर से वो वैसे ही वो भकड़ता हुआ शेर के रूप में हमारे बीच, या टीवी चैनल हो या किसी रैली हो या कहीं भी भाषण, जो वो एक दमदार भाषण देते हैं उसी रूप में, एक शेर के रूप में फिर से प्रस्तुत करो भगवान। और इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए और मैं क्या कहूँ, और बस इतना ही कहना था, और इसी बात को कहने के लिए आज मैं लाइव आया था। चलिए आप सबों को मेरा प्रणाम, और लव यू आप सबों को, और यही कामना करते हुए कि हमारे गार्जियन जल्द ही स्वस्थ हो जाएं, बस यही कामना करते हुए मैं आप सबों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।